हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं बना रही हूँ अभी मक्की की रोटी। मम्मी के घर पर आई हूँ तो उतने अच्छे से मुझे मक्की की रोटी बनाना नहीं आता। आज आटा अच्छा है, सॉफ्ट है बहुत ही, तो मैं यहाँ पर बनाती हूँ। कितनी अच्छी बनती है। और ये मम्मी भी बना रहे हैं मेरे साथ। अभी मैं इसको फैला करके थोड़ा बड़ा करती हूँ। और डालने हैं दो तीन रोटी की रोटी डालना है, ठीक है? नहीं वो उपयोग से ठीक है, ठीक है। अरे जैसे जैसे तो मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हुई क्योंकि मैंने इतनी अच्छी रोटी बनाई और मम्मी ने कहा कि उनसे भी बड़ी रोटी बनाई है मैंने आज। तो हैप्पी, मैं बहुत ही खुश हुई। खाना हमने खा लिया है और ये नाना जी इस औजार से धागे को इस तरह गोले में लपेट रहे हैं और ये इस तरह से कुछ बन रहा है। इसके बाद पट्टू बनाएंगे इसका। और मम्मी अभी उनसे ये धागे बना रहे हैं। पहाड़ी भाषा में इसे कातना कहते हैं और उनको इस तरह से कात रहे हैं। इस तरह का पट्टू बनता है। ये जो वाइट वाइट है ये है ऊन के धागे और ये दूसरे जो कलर है ये है दूसरे धागे। और ये साहब जी बैठे हुए और ये नानू ने बनाया है गलगल का खट्टा। मीठा भी डलता है इसमें और सारे मसाले। और ये है पहाड़ी तितना, हमारा शोपीस के लिए भी यूज करते हैं इसे। ये बड़ा है पर छोटे छोटे बहुत ही सुंदर दिखते हैं। पुराना अनाज, पुराना अनाज मतलब कोदरा है ये, अब कम मिलता है तो इसके बनाएंगे हम यहाँ पे डोसा टाइप। हमारे पहाड़ी भाषा में चिलड़ू बोलते हैं। तो मसाले इसमें सारे ऐड कर दिए गए हैं हमने और तवा लगा दिया है। ये रखा है ऑयल और ये है किस्म की घास। इससे ऑयल बहुत अच्छा लगता है, ब्रश की ज़रूरत नहीं होती है। अभी मैं इसकी पतली लेयर बनाती हूँ, दिखाती हूँ। अब पतली लेयर मैंने इसकी बना दी है। अभी तवा होने को रख दिया है गरम, गरम होने पर डालूँगी फिर दिखाऊँगी आपको। बना दिए है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। पुराना अनाज है, शायद 150-200 साल पुराना है कोतरा, अभी बहुत ही कम मिलता है। और इसकी खास बात यह है कि इसे एक ही साइड रखा जाता है, दूसरी साइड इसे नहीं पलटना पड़ता है और एक ही साइड अच्छे से पक जाता है। अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट बना रही हूँ। और ऊपर से इसे ढकना पड़ता है, मैं थाली से ही इसे ढक रही हूँ अच्छे से और ये अच्छे से पक जाता है ढकने के बाद। लंच हमने कर दिया है और उसके बाद देखी मुझे ये हरी सब्जियाँ, तो मैंने सोचा आज हरी सब्जी मैं भी बना लेती हूँ। ये है राई और साग मिक्स बोया है यहाँ पर नानू ने और इसमें ये फूल भी लग गए हैं। ये है पहाड़ी लहसुन, खाने के स्वाद को बढ़ाता है ये। और ये फूल आते हैं चैत्र और फागुन महीने में, तो आजकल फागुन महीना चल रहा है। मैं ये लहसुन की पत्तियाँ भी तोड़ती हूँ।
और यहाँ से मिक्स सब्जी मैं तोड़ती हूँ। उसके बाद दिखता है मुझे ये पेड़, इसमें ये फल लगे हैं संतरे टाइप, कुछ फल उगते हैं इसमें और खाने में संतरे भी से भी ज़्यादा टेस्टी है ये फल। इन्हें तोड़ती हूँ मैं, कम ही बचे हैं यहाँ पर। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।